हेलो वेलकम एंड खम्मा गणेशा, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे ब्लॉग मेरे चैनल पर स्वागत है। राम राम साय। तो स्टार्टिंग से ये ब्लॉग मैंने नहीं बनाया था, और हम जो है हमारे मतलब मेरे गांव आए हैं। मेरे मासी सा के गृह प्रवेश का नांगल का प्रोग्राम था, और साथ में वो पुण्यों का अर्जुना भी कर रहे थे, तो इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड दोनों आए थे यहाँ पर। और ये जो वीडियो है वो स्टार्टिंग से नहीं बना पाए थे, तो हवन वगैरह उसका नहीं था, लेकिन बाद में जो भी प्रोग्राम था गृह प्रवेश जो हुआ उसका, और जो पुण्यों का अर्जुना किया है तो उसके लिए जो कथा वगैरह सुनाई थी उसका, वो सब है वीडियो। तो आप इंजॉय करिए, देखिए, और थैंक यू, कीप सपोर्ट। सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान है,
उन्होंने विचार किया कौन यत्न के करने से निश्चित रूप में प्राणी के दुखों अंत हो सकेगा। ऐसा मैंने अपने विचार करके नारद जी ने पूछा, विष्णु लोक में नारायण को जिनके हाथ संग चक्र के दावत में सुशोभित तथा जो गले में बरमाला पहने हुए स्थिति करने लगे। नारद जी विष्णु जी बोले, हे प्रभु, आप अत्यंत दुर्लभ शक्तियों से युक्त है, मन तथा वाणी से आपको पाने में असमर्थ है, आपका आदि मध्य अंत कोई नहीं जानता, आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्ति के दुखों को काटने वाले हैं। आप सूर्य के सुशील वाणी पुत्र भोजन ले आया, उस सूर्य के वर को देकर वैसे ने अपने बंधु बांधव सहित प्रसंचित मुद्रा में अपनी पुत्री का विवाह उस वाणी पुत्र के साथ कर दिया, परंतु दुर्भाग्यवश विवाह के समय सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने वैश्य को साथ दिया कि तुम्हें धारण दुख प्राप्त होगा। व्रत को नियम करियो, माने के वैष्णव जी के ब्याह पर दर्शन, लेकिन ब्याह पर ही भूल गयो, ब्याह कर दियो सत्यनारायण भगवान ने अनुज को भूल गया था। अनुज सत्यनारायण भगवान ने अनुज को क्रोधित जन झाड़ आएगी और माने ने साथ दे दियो, तथा बहुत ही भयंकर दुख देखने पड़ती। अपने कार्य के दक्ष वैसे अपने जमाई सहित नाव को लेकर व्यापार के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नासारपुर नामक नगर में पहुंचा। दोनों ससुर जमाई चंद्र केतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रीत हो एक चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, तो राजा के सैनिकों ने अपने पीछे से तेजी से आते देखकर चोर ने घबरा कर राजा के धन को वही नाव के चुपचाप पास रख दिया, तो उसे देखकर ससुर जमाई जयते हुए वहां से भाग गया। वो एक नगर के मायने व्यापार करता और व्यापार करता इस नगर के मायने एक चोर है जो वो राजा को चोरी कर रही जो नाम मतलब शेर वो तुम्हारे बिंदु पे डल गया जो नाम अपने नगर में मैं पुत्र तो सिया मैं जो नाम के बिंदु पे ना वो सम्मान के लिए वो नाम हो वो बाबा कौन को तोड़ तो बाबू ऐसा बाणिया के नंदन जी को बदन दौलत रख दो। जब सैनिकों ने उसके पास के राजा का धंधा रखा हुआ देखा तो उन्होंने दोनों को अपमान कर राज दरबार में ले गए और राजा के समीप उन दोनों ससुर जमाई को ले जाकर बोले, हे राजा, हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा ने उनकी बात सुने बिना ही काट दी। राजा की आज्ञा से कहता है, इस प्रकार निर्दोष होते हुए भी राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया, उनका सारा धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैसे की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती के घर पर अत्यंत दुखी हुई। उनके घर में रखा धन तो चुरा कर ले गया। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो भोजन की चिंता में लीलावती कन्या कलावती ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण श्री सत्यनारायण भट्टर्य को देखा तो उसने सुना तथा सुनी प्रसाद ग्रहण किया, रात को घर आई। लीलावती ने अपने पुत्री कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तू कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं ब्राह्मण के घर कुछ भोजन के लिए गई थी, मैंने वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत दे देखा, इसलिए मुझे वहाँ देर हो गई। श्री रामचंद्र भगवान की जय, हंस हनुमान की जय हो। आज
ओम जय लक्ष्मी रमण ¿Qué tal?
ले ली की सर उन्होंने और है तो चले और है तो ले लियो सो ये है मेरी ननिहाल फैमिली, मेरे नानू साहब, मेरी मासियाँ, मामू साहब, उनके बच्चे वगैरह सब हैं। तो ये मतलब बैठे हैं यहाँ पे सब। मैं भी इनसे काफ़ी टाइम बाद में मिली हूँ, तो मैं थोड़ी बहुत फ़ोटो वगैरह ली साथ में, और इनके सामने बोल नहीं पाई सब मुझे। अब हम जा रहे हैं सिया माता के मंदिर। लास्ट टाइम गए थे तब आपको नहीं दिखाया था, अब दिखाती हूँ। ये सारी बच्चा पालती, हम सब जा रहे हैं अभी शाम का टाइम है। शाम का टाइम है और अभी आरती का टाइम होने वाला है, तो हम जाके आ रहे हैं, आए हुए हैं। तो फिर दत्ता ने बोला जाके आ जाओ जोड़े से, इसलिए अब एक जीजा आ रहे हैं, उनको उनका वेट कर रहे हैं हम। वो आ जाए तो फिर उनको लेके जाएंगे। शंकर जी का को सार कोई को नहीं है यहाँ, एकली आई क्यों मई जयसु। हाँ बटू ले गए हैं बेसा के हॉस्पिटल लेकर भी। हाँ अब 12 बजे कर से बहुत फर्क बाबू क्यों नारियल चटा दी। चलो बलिए नाम तो बोल ले, तो प्रसाद ले लियो ना, हो तो होगी आरती भाई। यहाँ पे भगवान हृदय दर्द
ब्राह्मण